हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करने वाले सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2.11, द लेंथ ब्रेथ एंड द थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ अ मेटल आर 4.234 मीटर। मतलब लेंथ कितनी है यहाँ पे, इसकी लेंथ है 4.234 मीटर एंड इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ बी इज इक्वल टू 1.005 मीटर एंड इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस इसकी है 2.01 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो सबको जो है एक यूनिट में लेकर आओ, तो 2.01 सेंटीमीटर को कर दो मीटर में। बोलो आ रही बात समझ में, सेंटीमीटर को कर दिया मीटर में। अब देखोगे यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एरिया और वॉल्यूम निकालना है ना। तो एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं, तो एरिया इसका लिखा जाएगा। देखो वैसे ये सीट ऐसे कुछ होती है ना, रेक्टेंगुलर सीट है तो ऐसे होती है। देख लो यहाँ पे, ये हो गया कुछ ऐसे लेंथ, ये ब्रीथ हो गई, ये अपनी लेंथ है ना, तो ये अपनी हो गई लेंथ, तो ये हो गई अपनी चौड़ाई, ये ब्रीथ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, LB plus LB plus into BH plus into LH। ये सारे देखो, यही देखो, ये एरिया देखो दो बार है, ये ऊपर वाला एरिया दो बार है ना। फिर साइड देखो, ये साइड वाला भी क्या है, दो बार है। इसलिए क्या कर लो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बोलो आ रही चीज़ समझ में, नको आई है ना। इसलिए क्या करना होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम देखें तो 2 into 4.234 into करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1.005 प्लस कर लिया, हो जाएगा 1.005 into इसको कर लूँ मैं 0.0201 है ना, प्लस कर लूँ तो 4234 into 0.0201। तो सब का हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो ये अपना आएगा 8.61564, ये आएगा अपना मीटर स्क्वायर का है ना। तो इसका अगर हम सिग्निफिकेंट निकाले तो इसका सिग्निफिकेंट होना चाहिए 8.166 है ना मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे 6 है तो ये आएगा आगे, इसमें एक ऐड हो जाएगा। इसको अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो यहाँ पे 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 का हो गया 6, तो 8 ये थोड़ा 8.616 लिखा जाएगा ना, 616, इसको गलत हम इरेज 8.616 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में, चलिए इसको खिसका लेते हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं वॉल्यूम इसका। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा L into B into H। यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 4.234 into 1.005 into 0.0201। इसका वॉल्यूम हम निकाले तो 0.08552892897 ना, लंबा चौड़ा सवाल है। इसको करो सिग्निफिकेंट में, तो ये हो जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। ये अपना आंसर वॉल्यूम के लिए, ये हो गया अपना वॉल्यूम। दिस इज व्हाट आवर आंसर दैट वी हैव टू गेट, दैट वी गेट फ्रॉम द फॉर्मूला LBH, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, तो ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया एरिया और ये हो गया अपना वॉल्यूम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं।